नमस्कार, मैं हूं अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, आज 152वीं गांधी जयंती है और गांधी जी वो महान शख्सियत हैं जिसने अपने कलम की नोक पर पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में मदद की थी। बस इतना ही नहीं, गांधी जी ने नारी को शिक्षित करने पर भी अधिक बल दिया था, जिसमें उन्होंने अनेक लेख लिखे, जिसमें से एक लेख था, अगर एक आदमी को शिक्षित करोगे तो सिर्फ एक आदमी ही शिक्षित होगा और अगर एक औरत को शिक्षित करोगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं गांधी जी के स्मारक भवन में, जिसके अंदर एक म्यूजियम बनाया गया है और गांधी जी के इतिहास के बारे में दर्शाया गया है। महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज हम आए हैं सेक्टर 16 में, जहां पर हम बात करेंगे गांधी जी भवन के उपाध्यक्ष निर्मला दत्त जी से। आइए मिलवाते हैं उनसे और जानेंगे गांधी जी के बारे में। ये आप देख सकते हैं, यहां पर गांधी जी के वक्त में भी ऐसा ही फ़ोन यूज़ होता था। और सबसे पहले मैम ये बताइए आपको कि इस भवन को बने हुए कितना वक्त हो गया है? एक्चुअली अभी इसको बने तो 2 ही साल हुए हैं। ये खादी स्मारक भवन जो है ये 1962 में बन के शुरू हुआ था, उसके बाद से ये इसकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। गांधी निधि संस्था का नाम है हरियाणा पंजाब हिमाचल गांधी स्मारक निधि। इसके सेंट्रल बॉडी है इसकी दिल्ली में और हरियाणा, इन तीनों की बॉडी जो है हेड ऑफिस वो है पट्टी कल्याणा समालखा में है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। और इस सेंटर में ये म्यूजियम बनाने का जो प्रोग्राम बनाया गया 2 साल पहले बनाया है और ये तब बना था, इसलिए कि यहाँ पर स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो उस हिसाब से जिस हिसाब से तेजी से मोहली है, पंचकुला है, ये सब बढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में, वहाँ इतना आसान बच्चों का जाना नहीं होता, तो बच्चे आराम से आ सकते हैं, विद इन टाइम देख कर जा सकते हैं। तो एक जस्ट उनको इन्फॉर्मेशन देने की गांधी जी की कौन गांधी जी थे, उनकी बेसिक क्या एक्टिविटीज़ थी, वो क्या करते थे, ये नॉलेज बच्चों को होनी चाहिए। राष्ट्रपिता थे हमारे, बापू थे, महात्मा थे, और ये जन्मजात उपाधि नहीं उनकी, एक साधारण आदमी पैदा हुए थे और अपनी साधना से, तपस्या से, त्याग से, और जो उन्होंने नेशन के लिए किया और जो पूरे विश्व के लिए किया, उससे उपाधि मिली उनको, किसी ने थोड़ा ना दी थी। मैम डिटेल में थोड़ा सा गांधी जी के म्यूज़ियम के बारे में बताएं। हाँ देखिए, गांधी आपको शुरुआत में दिखाया, बचपन का यहाँ नहीं दिखाया, नेशनल म्यूजियम में वहाँ है। देखिए गांधी बैरिस्टर बने हैं, गांधी जी की पोशाक देखिए, ठीक है, ये उनकी बैरिस्टर बनी की पोशाक है। उसके बाद गांधी जी जो उनके ओरिजिनल लोग, क्योंकि गुजरात से बिलोंग करते थे, राजकोट से, और पोरबंदर में है उनका जन्म स्थान, ये उनकी वहाँ की जो असली वेशभूषा है। और ये जो पोशाक है, गांधी जी ने जब हिंदुस्तान का भ्रमण किया और उन्होंने देखा कि हमारे लोगों के पास तो मैं तो इतने कपड़े पहनता हूँ, इतना मेरा कुर्ता कपड़ा ले लेता है, इतनी मेरी धोती ले लेती है, ठीक है, उनको अनुभव हुआ लोगों के पास तो तन ढकने को भी कपड़ा नहीं है, तो मुझे कैसे अधिकार है मैं इस गरीब देश में रहता हुआ इतने सारे कपड़ों का उपयोग करें। भारत छोड़ आंदोलन हुआ है ना, एक तरफ तो विरोध करते थे और गांधी जी सबसे कितने स्नेह से मिलते थे, वो कहते थे मेरे किसी व्यक्तियों से दुश्मनी नहीं है। गांधी जी से पूछा आप तो ऐसे जैसे कोई हम जैसा साधारण आदमी देख के कहेगा, एक तरफ तो आप इनसे लड़ाई कर रहे हो, एक तरफ इनसे हाथ डाल के ऐसे कर रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी विदेशी इनका जो शासन का तरीका है उससे मेरा विरोध है, मेरा व्यक्तिगत विरोध किसी से नहीं है, अगर ये हमें आज़ाद कर दें और ये रहना चाहें तो ये भी रह सकते हैं हिंदुस्तान में, हम वो भगाना इसलिए नहीं चाहते, ये रह सकते हैं। और पंजाब में पूरी 55,000 की फ़ौज, पूरी अंग्रेजी फ़ौज पंजाब में लगी हुई थी वहाँ के लोगों में शांति स्थापित करने, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए जबकि गांधी जी सक्सेसफुल हो, ये माउंटबेटन के वर्ड्स हैं। तो गांधी जी की ये महिमा थी, ऐसा एक हमारे पास ऐसा व्यक्ति है, नहीं तो UN को अहिंसा दिवस घोषित करने की क्या ज़रूरत थी, पहली बात। दूसरी बात, क्या ज़रूरत है कि दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष नाम लेते हैं गांधी को, ओबामा नाम लेता है गांधी का, ठीक है, सारे राष्ट्रपति नाम लेते हैं, अभी बाइडेन ने भी कहा, हम लेते हैं क्योंकि वो तो हमारे नेता हैं, थे और हैं, राष्ट्रपिता हैं, उनकी क्या मजबूरी है, उनकी तो कोई मजबूरी नहीं है। तो एकमात्र ऐसा नेता है जो विश्व में कोई नाम लेता है तो वो, बाकी देश के किसी लीडर का कोई नाम नहीं लेता, यहाँ कोई आएगा तो हम ट्रंप का नाम नहीं लेंगे या बाइडेन का नहीं लेंगे, रीगन प्रेसिडेंट था उसका नहीं, किसी का ले सकते हैं क्या? अच्छा, गांधी जी का कहना था कुछ सामाजिक बुराइयाँ भी हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सामाजिक बुराइयाँ तो देखो हमारी तब भी बहुत थी गांधी जी के टाइम में, और अगर मैं कहूँ आज अगर हम स्थिति हिंदुस्तान की देखें, कमोबेश वही है,
बुराइयाँ ये थी सामाजिक, एक तो हम लोगों का अछूतों का, दलितों का, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, ये सब उत्पीड़न होता था जी। होता था कि नहीं होता था? और उसके लिए आवाज़ उठाई गांधी जी ने। देखो कितने प्रोग्राम उनके चले, गौ सेवा संघ, हरिजन सेवा संघ, महिलाओं के लिए कस्तूरबा सेवा ट्रस्ट, ये हमारी ये गांधी स्मार्ट निधि क्या है, ये प्रचार प्रसार करने के लिए सर्व सेवा संघ बना हुआ है, इतने हमारे संगठन बने। आगा था पहले से ये वाला, ठीक है, ये है इंटरव्यू। देखो देखो दम दम जेल में है, पॉलिटिकल प्रिजनर हो जाते थे, रख दिया जाता था, सालों सालों रखते थे। कितना टाइम तो गांधी जी का मिलेगा, बहुत समय तो जेलों में निकला। बात करें कपड़े की तो गांधी जी को खादी कपड़ा बहुत ज़्यादा अधिक प्रिय था। हाँ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खादी का कपड़ा इसलिए प्रिय था, मैं बताती हूँ आपको। गांधी को लगा मुझे अपने पूरे देश को कैसे जोड़ना, किस चीज़ से जोड़ना है। सबसे पहले बात तो उन्होंने देखा कि विदेशियों ने हमारे देश का जो ओरिजिनल हमारा कपड़ा बनाने का काम था, जिससे रोज़गार गाँव में मिलता था, वो रोज़गार ख़त्म किया। और उसको ख़त्म करके ढाका की मलमल, उस समय ऐसी मलमल थी, एक अंगूठी से पूरा थान निकल जाता था। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि इस म्यूजियम के अंदर गांधी जी की बचपन की तस्वीरों से लेकर मृत्यु तक की तस्वीर मौजूद है, जिसमें सभी इतिहास के बारे में हमें मैम ने बताया ही है। ऐसी ही कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए अर्थ प्रकाश टीवी पर। मैं अवनी चौधरी, कैमरा पर्सन दीपक चौहान के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।